परम शांति। देखो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर जो राज्य चलता है, उसका क्रिएटर तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर, माना अनंत कोटि शिव का क्रिएटर महाशिव है, वो महाब्रह्मांड का क्रिएटर है। तो वो महाब्रह्मांड को चलाने के लिए महाशक्तियाँ, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महागणेश का रचना करता है। तो जहाँ जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत होती है, वहाँ महा गणेश भी, महागणेश, महाविष्णु, महाब्रह्मा भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अपने अपने रूप भेज देते हैं। और अच्छा, सुचारू चलाने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ने पर महाशक्ति भी अपने रूप भेज देती हैं। तो कभी कभी जब, जैसे भंडासुर की बात बताई, तो जो भंडासुर है अभी, वो काफ़ी ब्रह्मांडों पर उसने कंट्रोल कर लिया था। तो वो रचना था महागणेश की रचना थी, तो महागणेश ने उसको भेजा था। उसके पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर उसने जहाँ जहाँ भी जरूरत थी उसको हेल्प करने के लिए वो बनकासुर की क्रिएशन हुए थे। मगर बहुत, क्योंकि बहुत समय के बाद ये कई बार क्रिएशन नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि अच्छा काम करते करते भी उसमें नेगेटिविटी, असुरों को मारते हुए भी अच्छे अच्छे आत्माएं नेगेटिविटी प्राप्त करते हैं और ये असुर बन जाते हैं। तो ये सभी असुर एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ऐसी नेगेटिव आत्माएं बहुत बन जाती हैं, और बाहर से भी आती है ना, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी में, दूसरी गैलेक्सियों से भी आती है, यूनिवर्स से भी आती है, ग्रेट यूनिवर्स से भी आती है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आती हैं। तो ये सभी पहले प्रारब्ध में तो बहुत आई हुई थी आत्माएं बाहर से, और बाहर से जब ये आत्माएं आती हैं तो अच्छी से अच्छी आत्माएं भी जब नेगेटिव वायुमंडल में आती है तो उस पर नेगेटिव वायुमंडल का आवरण चढ़ जाता है, और धीरे धीरे, जैसे हमारे ब्रह्मांड में ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए भी 33 कोटि देवता भी हैं, हमने बताया ना। तो ये धीरे धीरे रचना कर जाते, पावर लॉस कर जाते, फिर धीरे धीरे मनुष्य भी बन जाते हैं, और उसकी इच्छा भी निराकारी से जब परमधाम में आते हैं तो निराकारी अवस्था में होते हैं। सब दूसरे ब्रह्मांडों से या महाब्रह्मांडों से आने वाली आत्माएं निराकारी होकर फिर आकारी रूप में होकर फिर स्वर्गलोक में आती है, तो सुख देखती है स्वर्गलोक का, तो उनको नया लगता है। बाहर से आने वाली हमेशा निराकारी और ऊपर की दुनिया में रहने वाली आत्माओं को जब ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब स्वर्गलोक देखती हैं, तो वहाँ ये उनको लालच होता है ये नया है, क्योंकि वहाँ माया होती है। फिर धीरे धीरे स्वर्गलोक से वो साकार में आता है, साकार में आकर वो, उनको और भी 5 तत्वों में और भी सुख मिलता चाहिए, और 5 तत्वों का सुख में फंस जाती है, मृत्यु लोक में फंस जाती है, फिर उनको और आवरण लगते हैं, फिर ये माया के दाव में मायासुर बन जाते हैं, मतलब असुर बन जाते हैं, और ये नीचे 7 पाताल लोक में चले जाते हैं धीरे 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 करके। तो ऐसे बहुत असुर, केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, एक असुर की बात नहीं है, ऐसे बहुत असुर हमारे ब्रह्मांड में भी आते हैं जाते हैं। फिर उसको मारने के लिए जो पराशक्ति है, पराशक्ति माना परम शक्ति, तो ये ब्रह्मांड की जो परम शक्ति है, जो आदि शिव आदि शक्ति है, जो शिवपुरी में रहते हैं विष्णुपुरी से ऊपर, परम शक्ति इसलिए कि वो त्रिगुणातीत है, सतो रजो तमो से परे हैं। जैसे विष्णुपुरी है, विष्णुपुरी तो वो रजो प्रधान, विष्णु खुद रजो प्रधान होता है, तो विष्णुपुरी भी पूरी रजो प्रधान होती है इसके। और नीचे की दुनिया तो ब्रह्मा से तो नीचे दुनिया गिर जाती है, 3 तत्वों में भी वो ज़्यादातर सतो रजो तमो तीनों मिक्स हो जाती हैं पूरे ब्रह्मांड में। इससे ऊपर जो होती है वो परम पराशक्ति होती, परम शक्ति होती है, और वो जरूर सारी, जब सारे देवी देवता मिल के जब आराधना करते हैं तब ये आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव
प्रकट होते हैं और वो असुरों को मारते हैं। असुरों को बड़े बड़े वरदान मिलते हैं महादेव मतलब शंकर का। तो फिर वो अगर आदिशक्ति नहीं मार सके तो आदिशक्ति के हेल्प करने के लिए महाब्रह्मांड से महा आदिशक्ति मतलब महाशक्ति महाब्रह्मांड से आती है और वो प्रकट होती हैं और फिर बड़े बड़े असुरों को वो मारती हैं। तो ये हमेशा एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरी गैलेक्सियों में चलती है, गैलेक्सियों में भी नहीं, हमारी गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी तरह हर कोई गैलेक्सियों में ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड में ब्रह्मांड है। तो गैलेक्सियों मिलके यूनिवर्स बनते हैं, हर यूनिवर्स में गैलेक्सियाँ और ये ब्रह्मांड होते ही रहते हैं। सब कुछ मैंने बोला ना, 16 कला की जब तक यूनिवर्स होता है ना, तो 16 कला के यूनिवर्स तक आत्माएं ये घूमती रहती हैं और ये फिर कभी कभी गिर जाती हैं, कभी कभी तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं, कभी कभी 25 कला वाली आत्माएं भी हमारे ब्रह्मांड में, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब धरती पर आती है तो उसको सुख भोगने की इच्छा स्थूल, क्योंकि उसने स्थूल दुनिया कभी देखी नहीं होती। 25 कला वाली आत्माएं जब इतने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आत्माएं आती है घूमती फिरती फिरती, वो घूमने निकली होती है, ट्रैवलिंग पे है। मेरा पुराना वीडियो है, बहुत वीडियो है उस पर मैंने बताया, जर्नी ऑफ सॉल पे। तो घूमती फिरती आत्माएं जब स्थूल वतन में आती है, चाहे कोई भी ब्रह्मांड हो, कोई भी गैलेक्सी का कोई भी ब्रह्मांड हो, तो उसमें उसको सब कुछ नया लगता है, कभी देखा नहीं सोचा नहीं, तो वो चाहते हैं हम एक जन्म ले, फिर वो अच्छा लगता है एक जन्म दो जन्म, फिर जाते हैं, फिर और भी माया का आवरण लग जाता है, माया में फंस जाते हैं, पांच तत्वों की दुनिया में फंस जाते हैं, फिर और भी असुर बन जाते हैं, फिर पाताल लोक में चले जाते हैं। तो अपनी शक्तियाँ तो बहुत होती हैं, तो अब उसको मारने के लिए जैसे कोई 20 कला वाला असुर है, कोई 25 कला वाला असुर है, तो बड़े बड़ी शक्तियों वाला जो असुर है उसको मारने के लिए फिर तो आदिशक्ति को ही आना पड़ता है, महाशक्ति महाशक्ति आदिशक्ति, ब्रह्मांड की आदिशक्ति भी नहीं चलेगा, महाब्रह्मांड की महा आदिशक्ति को आना पड़ेगा। अगर बहुत पावरफुल असुर है तो फिर उसको साधारण नहीं मार सकते, उसके लिए कभी कभी महाशिव को भी प्रकट होकर महाशक्ति के साथ हेल्प करके मारना पड़ता है। तो ऐसे पहले तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ने कॉमन शब्द था, सब जानते ही थे, जो असुर आते थे क्योंकि उनके असुरों को भी पता था कि मेरा राज अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है, कि असुर भले होते थे पांच तत्वों में मगर बाहर उसका साम्राज्य था, तो उनके असुरों को ज्ञान होता था कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में मेरा राज्य है, तो ज्ञानी होते थे, इसलिए ये सब शास्त्रों में लिखा है, मगर कोई समझ नहीं पाता, इसलिए ये सब बातें न समझे, ये सब इतना गहरी बातें, इतनी गहरी बातें हैं कि ये सब बातें जब तक आत्मा आत्म स्वरूप बन के न देखे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, गैलेक्सी यूनिवर्स को, आकाशगंगाओं को, तब तक और समझ न पाए तब तक ये गहरी बात है। इसलिए इस जब तक शिव महाशिव को भेद नहीं जानते, विष्णु महाविष्णु, गणेश महागणेश, ऐसी तरह आदिशक्ति महाआदिशक्ति, ये सब डिफरेंट शब्द है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरे शब्द हैं सब, और ये सब बातें है हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, इसलिए समझ नहीं पाते, इसलिए उनको झूठ कह देते हैं। परम शांत हद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. Behad ki par